मैं मास्टर क्लास की स्टूडेंट हूँ। यहाँ मैं 18 मंथ्स कलिनरी आर्ट डिप्लोमा कर रही हूँ। मेरा एम है रेस्टोरेंट खोलने का एम था, मैं ये सोच के यहाँ आई थी। मैं अब ये सोचती हूँ कि मुझे कहाँ मैं खड़ी हूँ और मुझे आगे क्या करना है। तो इसी दौरान बस ये इस कॉम्पिटिशन का पता चला, हमने इनरोल कर लिया कि बस वो एक सोच है कुछ करना है और एक एस्पिरेट है कि कुछ कहीं कुछ ना कुछ करके दिखाना है, तो हमने इनरोल कर लिया। देन जब सब कुछ हो गया तो फिर एक फियर था, कहाँ हमें अब आगे क्या होगा। अब नेक्स्ट स्टेप था हमारा ट्रेनिंग, जो कि शेफ़ माहिदा, शेफ़ अनस और शेफ़ सलमान करवा रहे थे। तो अब जो है मुकाबला सख्त था, वक्त जो है बहुत कम था हमारे पास। हम डर भरता जा रहा था कि हम 7 लेडीज़ अकेले, मतलब वहाँ दुबई में जाके पार्टिसिपेट करना, गलतियाँ निकल रही थी हमारी। लेकिन मास्टर क्लास में जो हमारी पूरी टीम जो हमें ट्रेनिंग करवा रही थी, वो हमें हिम्मत दे रही थी कि नहीं, आप लोग ये कर लेंगे। और अब हम लोग जो है मतलब लास्ट में आ गए थे, हमारी चीज़ें क्लीनिंग वगैरह, वो टाइम मैनेजमेंट, हम सब कुछ सही करने लग गए थे और अब हम रेडी हो रहे थे। और इसी तरह 1 वीक में हमने अपना जो टाइम लिमिट थी 1 आवर, वो सब हमने अपने कंप्लीट कर ली थी और अब हम रेडी हो चुके थे फ्लाई करने के लिए दुबई। अपार्ट फ्रॉम गेटिंग ट्रेंड, वी हैड टू परचेज फॉर द इक्विपमेंट्स, फॉर द यूटेंसिल्स, फॉर द इंग्रेडिएंट्स वी वर गोइंग टू यूज एट द कॉम्पिटिशन। सो आई टुक द लीड एंड मेड श्योर एवरीबडी हैज एवरीथिंग एंड वी आरंट फॉरगेटिंग एनीथिंग। मेरा चेकलिस्ट, वी वेंट थ्रू इट टू मेक श्योर वी हैव एवरीथिंग विद अस। वी फाइनली बोर्डेड द प्लेन, we got ourselves checked in on our hotel and slept like a baby and was ready for the competition. And the final night has come, jiski morning ka sabko bahut shadid intezar tha. Being the team leader, I was not just the participant but I was leading my team as well. It was a very tense moment for everyone. Everyone was preparing for the next day. To bahut hi jo hai wo ek exciting situation thi for my team members, for me and for all the judges who were looking for a great plate, क्योंकि हम जो है वो अपना कल्चर रिप्रेजेंट कर रहे थे थ्रू आर प्लेट। तो मुझे बहुत उम्मीद थी कि जो खुशबुएँ जो हैं वो आ रही हैं फ्रॉम डिफरेंट स्टेशंस, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू हिट द पैलेट्स ऑफ द जजेस। एंड द कॉन्टेस्ट एंडेड इन टाइम, ऑल टीम मेम्बर्स कम्प्लीटेड देयर प्लेट्स इन टाइम। आई वॉज वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, वी हैड अ ग्रेट टाइम विद द जजेस अराउंड। अब कॉम्पिटिशन का आखिरी मरहला आ चुका था और सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा टेंस थे और जो फीलिंग्स थी वो शायद मैं आपको बता ना सकूँ, क्योंकि ये फीलिंग्स हैं वो हम ही जान सकते हैं उस वक्त हम लोग कितने टेंस थे। और हम लोग वेट कर रहे थे कि जो जजेस हैं वो कब अनाउंस करते हैं हमारा रिजल्ट। तो एक एक मोमेंट, एक एक सेकेंड हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था। तो आप यकीन करें कि सबकी जो कंडीशन थी ना, बहुत ही एक्साइटेड और टेंशन वाली थी, क्योंकि हम लोगों ने अपना पूरा 100% दिया था और हमारे दिल में एक ना आपकी विश होती है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो कुछ ना कुछ ले के जाओ। तो 50-50 चांस था कि हम लोग कुछ ले सकें, लेकिन ये था कि उम्मीद थी और दिल धक धक कर रहा था और टेंशन भी थी। और आखिरकार 5 बजे और अनाउंसमेंट हुई और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लेडीज़ ने मेडल्स लिए, जो हम सब के लिए, हमारी फैमिलीज़ के लिए, हमारे मास्टर क्लास के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। और हम सब बहुत खुश हैं और अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि हम पाकिस्तान और अपने मास्टर क्लास के लिए मेडल्स लेके आए। Yeah!